मदूनू सली अला रसूलिल करीम। आज मुझे भी इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दावत दी गई थी कि आज जगह जगह नशावर चीज़ों की फरोख्तगी और हमारे नौजवान नस्ल जो आज बर्बाद हो रही है नशे की वजह से, उसके लिए हमारे खैरुद्दीन साहब मौलाना ने बड़ी यानि लोगों को एक जगह जमा कर उन्होंने लोगों को ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि हम इस मुहिम में और इस काम में हुकूमत का भी ताउन कर रहे हैं और हमारी कौम को भी इससे आगाह कर रहे हैं। मगर अफसोस ये होता है कि हमारे लोग अजीब है, नाम धरना चौक रखे हैं। अब यहाँ बैठने के बाद ये पूछा जाता है कि आप धरना चौक पे कहीं को बैठ रहे हैं। भाई जहाँ मुकाम जो आप मुकर्रर किए हैं बैठने का, वही मुकाम पर बैठ के हम गुफ्तगू करेंगे। हम जो मुकाम पर आप बैठने के लिए कहे हैं वहीं बैठकर हम ये आवाज़ को पहुंचा रहे हैं और ये हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप ये जो दिन ब दिन नशावर चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं और जिस अंदाज से आम किया जा रहा है दीगर मुकामात पर शराब की दुकानों को, ये हुकूमत भी अपनी आमदनी का इससे ज़रिया पैदा कर रही है। और फिर एक तरफ ये कहती है कि भाई हम नशे के लोगों को जो आदी है उनको छुड़ाना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है। मैं आज के इस प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ ये बात के लिए, एहतजाज को दर्ज करवाने के लिए कि जो भी हुकूमत ये काम कर रही है पहले खुद अपने लाइसेंस देना बंद करें और फिर जो हमारे दीगर पुलिस स्टेशनों में मुसलसल ये बातें आती है कि इतना गांजा जब्त हुआ, इतना गांजा जब्त हुआ, तो आखिर जा रहा कहाँ? अगर वो गांजे को फिर दोबारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, वो हमारे लिए कोई नुकसान हमारे सीधे हाथ से लेके बाएं हाथ से और जगह तो नहीं पहुंचा रही? इसके ऊपर भी नज़र रखना चाहिए हमारी हुकूमत को और हमारे मुस्लिम घराने के और दीगर हर वो शख्स जो हमारे अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, उसको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आपके साहबजादों को किसी भी मज़हब का रहे, मुझे मज़हब से नहीं है, ये आदत हर एक के लिए बुरी है, चाहे वो अपना रहे, चाहे परारा रहे, चाहे दूर रहे, चाहे करीब रहे, हर एक के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। और ये चीज़ों की वजह से ना अपने होश को बाकी रख रहे हैं और होश न रहने की वजह से कुछ ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो रही है। मैं इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत से भी और आवाम से भी और हमारे खवास से भी ये गुजारिश करता हूँ कि हर कोई इस मुहिम में हिस्सा ले और इसके लिए आगे बढ़ के काम करे, इंशाअल्लाह हर एक के लिए फ़ायदेमंद होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।